इंडिया और श्रीलंका के बीच T20 का जो दूसरा मुकाबला हुआ था, इंडिया भले ही 16 रनों से हार गई थी, लेकिन उससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आया है सामने, जिसमें अर्शदीप सिंह को 40 करोड़ रुपए लेकर के 3 नो बॉल्स फेंकने की बात कही जा रही है। तो आइए देख, तब मैंने बहुत सारे न्यूज चैनल्स, अखबार तथा BCCI के ट्विटर हैंडल पर जाकर के बहुत खबर को खंगालने की कोशिश की, लेकिन मुझे ये पता चला कि नहीं, ये बातें सारे सर गलत है। तो आइए देखते हैं कि BCCI इस पर क्या एक्शन लेती है और अर्शदीप सिंह पर लगाए गए जो झूठे इल्ज़ाम है उसके विषय में वो कैसे देखती है, उसको कैसे मैनेज करती है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करें, आप लोग क्या सोचते हैं इसके विषय में।